नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। आज सासाराम की धरती से उन्होंने वहां की जनता को संबोधित किया, तो जो अगली रैली है वो गया में होने वाली है। उससे ठीक पहले अब विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार की जनता को बरगलाने आ गए हैं। इसके साथ कांग्रेस की तरफ से 10 सवाल पूछे गए हैं। आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब और क्यों नहीं मिल रहा है, और इसके साथ युवाओं को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल क्या है आप खुद? जुमलों के सरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं। 2015 के चुनाव में बिहार के स्वाभिमान की बोली लगाने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को आज सबसे पहले बिहार के साथ किए गए भेदभाव और दुर्दशा का जवाब देना पड़ेगा। 12 करोड़ बिहारियों की ओर से 10 सवाल हैं जिनका जवाब हम प्रधानमंत्री जी से मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कल सिरे से खारिज क्यों कर दिया? क्या आज मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात क्यों किया? पिछले चुनाव में 500 करोड़ की लागत से भागलपुर में बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खो गया? वाहवाही तो खूब लूटी, पर मोदी जी भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक भी ईंट क्यों नहीं लगी? क्या जवाब देंगे? बिहार के युवा नंबर 3, बिहार के युवाओं को कौशल विकास का झूठा सपना क्यों दिखाया? कौशल विकास यूनिवर्सिटी के नाम पर मोदी सरकार ने झूठ क्यों परोसा? 1,550 करोड़ की लागत से बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय और 1,00,000 बिहारी युवाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग देने वाला कौशल विश्वविद्यालय कहां गया? क्या ये सही है कि मोदी जी ने चोर दरवाजे से बिहार में बनने वाली कौशल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी छीनकर अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में शिफ्ट कर दी है?